बंगाल के चुनाव के चौथे चरण के मतदान में कल एक दुखद घटना हुई। एक बूथ पर कुछ अज्ञात लोगों ने हमला किया, सीआरपीएफ के हथियार लूटने का प्रयास किया और जब सीएपीएफ ने अपने बचाव में अपने हथियार बचाने के लिए गोली चलानी पड़ी, इसमें चार लोगों की मृत्यु हुई। बहुत दुखद घटना, मगर इससे ज्यादा दुखद जिस प्रकार से इस घटना को पॉलिटिसाइज किया जा रहा है वो मैंने ममता दीदी के स्टेटमेंट देखे। उसी बूथ पर सुबह आनंद बर्मन का हत्या कर दिया गया, गुंडों द्वारा हत्या कर दिया, और वो इसलिए हत्या कर दिया गया कि वहां पर मतदान न हो। उसी बूथ पर हमला किया गया और उसी बूथ पर सीआईएफएस के हथियार लूटने का प्रयास किया, मगर ममता दीदी सिर्फ चार लोगों को श्रद्धांजलि देती है, आनंद बर्मन की मौत की उनको नहीं पड़ी। मृत्यु में भी तुष्टिकरण और वोट की राजनीति, बंगाल की राजनीति को ममता दीदी ने कितना नीचे गिराया है ये इसका एक उदाहरण। आनंद बर्मन मर गया उसका भी हमें दुख है और बाकी जो चार लोग मर गए इसका भी दुख है। मृत्यु किसी की भी हो वो राजनीति के परे होनी चाहिए, परंतु आनंद बर्मन पर ना एक भी आंसू बहाया, ना एक भी स्टेटमेंट किया, ना आज तक उसके मृत्यु पर श्रद्धांजलि या दुख व्यक्त किया, क्योंकि आनंद बर्मन एक राजवंशी समाज का नवयुवा है। वो उनकी वोट बैंक के लिए अनुकूल नहीं थे। इस प्रकार की राजनीति ये बंगाल का परंपरा नहीं है, बंगाल की संस्कृति नहीं है। और उसी शीतलकुची सीट पर ममता दीदी ने कुछ ही दिन पहले भाषण किया था कि सीआईएफएस सीएपीएफ वाले आए तो उनको घेर लो, उन पर हमला करो। मैं पूछना चाहता हूं ममता दीदी को एक साफ सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या आपका वो भाषण वो चार लोगों की मृत्यु के लिए जिम्मेदार नहीं है क्या? अगर आप वो भाषण न करती कि चार युवा सीआरपीएफ पर हमला करने का हिम्मत करते क्या? आपने उनको उकसाकर एक गोलीबारी का कारण दिया। मैं मानता हूं कि ममता दीदी के पास अभी भी समय है, जो पांच बार युवा मर गया है उसको भी श्रद्धांजलि दे, उसकी भी बात करें और बंगाल की जनता को इसके लिए ये जो उन्होंने भाषण किया इसके लिए बंगाल की जनता के समक्ष माफी मांगे। और साथ में मैं बंगाल की जनता को विनम्र भी करना चाहता हूं, ये एक घटना छोड़कर बारंबार बंगाल का चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से हुआ है। हालांकि कुछ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव के दौरान भी पांच से ज्यादा कार्यकर्ता मार दिए गए, इसके लिए भी ममता दीदी कुछ नहीं है, परंतु बंगाल का चुनाव शांतिपूर्ण हो रहा है वो बंगाल में एक नई शुरुआत। पहले कम्युनिस्ट और फिर तृणमूल कांग्रेस राजनीतिक हिंसा को बढ़ावा दिया है, बंगाल इससे बाहर आ रहा। बंगाल की जनता को मेरा करबद्ध निवेदन है बाकी के चार चुनाव में भी शांतिपूर्ण ढंग से लोकतंत्र के उत्सव को मनाएं, चुनाव करें, अपने पसंदीदा प्रत्याशी को जिताएं और बंगाल के अंदर शांतिपूर्ण चुनाव का एक नया इतिहास सर्जन का काम करें। साथ में मैं बंगाल की जनता को यह भी वादा करना चाहता हूं कि 2 मई के बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां मोदी जी के नेतृत्व में बनेगी, ये चुनावी हिंसा राजनीतिक हिंसा हमेशा के लिए बंगाल को छोड़कर चली जाएगी, क्योंकि राजनीति हिंसा करने वाले लोगों को अपनी सीट रूप से परास्त करने वाले। मैं फिर से एक बार शांतिपूर्ण चुनाव के लिए सभी को अपील करता हूं, सभी दल के कार्यकर्ताओं को अपील करता हूं कि चुनाव आयोग के बनाए हुए नीति नियमों के अनुसार हम चले, इसका पालन करें और चुनाव को शांतिपूर्ण रखें। धन्यवाद।
मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।